वो एक दिन था जिसमें सबका गैप आया। हम जब गए तो हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी जो थी वो इट वॉज लाइंग देयर ऑन द फ्लोर एंड शी डाइड। मेरी माँ ने भी, मेरी अपनी माँ ने मुझे जूते लगाए हुए। अगर मेरी स्टेप मदर मुझे डांट के को समझा रही है, शी इज अगेन अ मदर। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राइचियस फील करवाना चाहते हैं 24/7। मुझे सोफे पे सोना पड़ता था क्योंकि सारे घर में बहुत सारे लोग थे। कहीं ना कहीं यू आर निग्लेक्टेड चाइल्ड थोड़ा बहुत। मुझे ये भी पता है कि पापा जिन बातों पे कभी कभी गुस्सा नहीं करते थे वो बातों पे गुस्सा करने लगे। आपको जब पता चला या आपकी वालदा ने भी दूसरी शादी करने की डिसाइड कर लिया है तो क्या रिएक्शन था आपका उस पर? सच भाई उस वक्त कंफ्यूज हुआ, थोड़ा लॉस्ट, ऐसा लगता था जैसे कोई एक रस्सी और चली गई हाथ से, क्योंकि पापा ने तो कर ली थी। तो मुझे ये था कि चलो। ये हमारे ड्रामों में शमून इन चीज़ों का बड़ा जिक्र होता है, बड़े लोगों को रिएक्शन शॉट्स और ये और वो और मोंटाजेस और ये, लेकिन आप तो हकीकत में इसे गुजरे हैं तो एक फीलिंग ऑफ लॉस शायद इस वजह से कि दोनों वालदे और भाई बहन नहीं थे ना, तो देयर वाज नो वन टू शेयर द एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक मैसेज आपके शो के तवसुस से उन बच्चों को देना चाहूंगा जो ये चीजें फेस करते हैं कि मैंने एक चीज सीखी, और सीखी भी नहीं, मैंने अपने अंदर मैंने जमाई, मैंने कहा मैंने इन दोनों रिलेशंस को निभाना है। या आपने फैसला किया कि इनको निभाना है चाहे कुछ हो जाए? हाँ, इनको स्टिग्मा में नहीं डालना है, स्टेप मदर स्टेप फादर वाले, क्योंकि मुझे पीस चाहिए। इफ आई बिकम दैट ट्रबल चाइल्ड कि माँ कुछ कह रही है स्टेप मदर, तो नहीं जी, बिकॉज शी इज माई स्टेप मदर तो शी इज रॉन्ग। तो हो सकता है मेरी माँ ने भी, मेरी अपनी माँ ने मुझे जूते लगाए हुए। अगर मेरी स्टेप मदर मुझे डांट के को समझा रही है तो शी इज अगेन अ मदर। मारती भी थी? मारती नहीं थी, लेकिन वो बातें ऐसी कर देती थी कि वो मार के बराबर होती थी। क्यों ऐसी क्यों थी आपके ख्याल से आपकी वालदा ऐसी? मुझे लगता अब आप सोचते हैं, अब तो देख के अब तो याद करता हूं। तो हाँ, तारीख एक का हिस्सा बन चुके हैं लोग। सर भी मुझे लगता है बस वो हम कभी कभी अपने आप को ना, कुछ दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राइचियस फील करवाना चाहते हैं 24/7। अगर उनको आप ये कह देंगे ना आपसे गलती हो गई है, तो उनके लिए उनकी जो इगोइस्टिक वो एक है ना, वो हर्ट होती है। शी डिडंट लाइक दैट, शी डिडंट लाइक दैट। माई फादर वॉज अ वेरी डिसमिसिव पर्सन, गलती को गलती मानना, हाँ हंस देते थे, हाँ हाँ यार गलती हो गई, इस तरह करके बात खत्म। तो हमने उनसे सीखा कि यार जब इनसे गलती होती है तो इज़ वेरी डिसमिसिव, मामा से होती है मामा सख्त हो जाती हैं, तो यू कैन नॉट करेक्ट द मदर। तो देखिए सबकी माएँ अच्छी होती हैं, सब कुछ होता है, मेरी एक डिफरेंट मदर थी। बट अब इसमें जो अच्छा पहलू है वो ये है कि वैन माई स्टेप मदर, जिनको स्टेप मदर कहा जाता है और एक स्टिग्मा बनाया हुआ है जी, ऐसी तो फिर ड्रामे बनते हैं उस पे, ड्रामे बनते हैं, जालिम होती है, स्टीरियोटाइप होता है, मारती है ये, हाँ, और वो चला के। मेरी वालदा जितनी मोहब्बत करे, मेरी दो वालदाएं थी मेरी, और मैं आपसे बिल्कुल कसमियां खा सकता हूं कि इंतहाई मोहब्बत करती थी मेरी वालदा। फिर उन्होंने वो जो मदर, अच्छा मैं कभी ना अपनी माँ के, सगी माँ के गले लग के नहीं रोया लेटा, उनके कभी गोद में नहीं लेटा, मुझे याद ही नहीं। शी नेवर केप्ट दैट रिलेशनशिप, सो देयर वाज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ। Did she have other children after your father? नहीं नहीं नहीं, उनके नहीं थे। फिर पापा के बेबीज हुए तीन, माशाल्लाह उनकी दो बेटियां और एक बेटा हुआ, और मुझे लगा मेरे भाई बहन पैदा हो गए, बात खत्म हो गई, देयर इज नो स्टेप और फलाना। बट योर फादर वाज वेरी फ्रेंडली टू यू, तुमने तो घर में महसूस, यस, तो फाइनेंशियली उन्होंने ही सपोर्ट किया तुम्हें फिर? मैं हाँ, मैं जब यहाँ आया मतलब पापा के पास रहने लगा, तो उन्होंने कहा कि बस तुम मेरे तो बच्चे हो ही यार, मैंने कोई स्पेशल थोड़ी वो कुछ करना है, उन्होंने किया। मुझे सोफे पे सोना पड़ता था क्योंकि सारे घर में बहुत सारे लोग थे, फुप्पी के घर रहते थे हम, तो एक सोफा था जिसमें मैं बड़ा ही हो गया था। तो एक दिन मेरी फुप्पी ने, सीमा गजल जो राइटर हैं, उन्होंने कहा, कहते हैं कि यार तुम जब आए थे तो तुम सोफे के अंदर होते थे, अब मैं सुबह गुजर रही थी, तुम्हारे पैर सोफे से बाहर निकल गए, तो तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें बेड की जरूरत है। कहीं ना कहीं यू आर निग्लेक्टेड चाइल्ड यार, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा निग्लेक्ट, क्या मुझे लग रहा है सर, शायद दिल चाह रहा है मेरा कि तेरे लिए मैं रोऊं थोड़ा सा, आई स्वेयर। अच्छा मैंने कभी अपने आप को निग्लेक्ट नहीं समझा। देखिए मेरी फूफी थी ना, सीमा आंटी, शी एक्टेड लाइक अ मदर। मेरे चाचू थे, ही एक्टेड लाइक अ फादर। मुझे लगा वो जो एक चीज़ मिस हुई थी उसको रिप्लेस किया बहुत सारे रिश्तों ने, और कहीं ना कहीं टुकड़ों में, कहीं ना कहीं मुझे एक रेजिमेंट होता है ना माँ बाप का, जी जी, घर में रहना, इस वक्त आना, इस वक्त जाना, सुबह में उठना, तुम्हारा वो तो तुमने नहीं देखा, वो नहीं देखा वो मैंने बाद में देखा। फिर एज स्टेप मदर उन्होंने फिर बहुत प्यार किया। वो कैसी, उनका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? उनका रवैया मेरे साथ अच्छा रहा हमेशा, और फ्रेंडली रही। 3 बजे रात को मुझे कहती थी, हाँ भाई
वो बनाओ फिर फ्राई अंडा और रोटी कड़क वाली, तो मैं और वो बैठ के, यानी कोई घर का हो ना हो, मैं और अम्मा बैठ के, मैं उनको अम्मा कहता था और मामा को मैं मामा कहता हूँ, मेरी माँ जो थी, तो वो रात को अंडे बनने और वो मुस्तकिल का शुगल, सुबह ये बना रही हूँ तुम ये करना। कहीं कहीं शख्सियत में कहीं तलखी भी आई? आई आई। मुझे ये भी पता है कि पापा जिन बातों पे कभी कभी गुस्सा नहीं करते थे, वो बातों पे गुस्सा करने लगे। शायद वो जो इंटरप्रिटेशन मेरे हरकतों की या मेरी बातों की थी, अब वो किसी और तरह पहुँचाई जाती थी, इसने ये किया या आज जिसने, तो पापा को गुस्सा आने लगा मेरे ऊपर कुछ जगहों पर, और वो मुझे हर्ट करता था कि पापा ऐसे नहीं थे। पापा ने मुझे लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं, तुम यहाँ मुझसे बात करें, मुझे डांट दिया सबके सामने, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। फिर मेरे समझ नहीं आता था, मैं कहता था देखिए अब दो तरीके हैं, एक मैं बुरा बच्चा बन जाऊँ, मैं गलत काम शुरू कर दूँ, मैं डकैतियाँ चोरियाँ ड्रग्स फलाना मारपीट। अच्छा था मैं फिजिकल हमेशा से, फाइटिंग शाइटिंग आती थी, गुस्सा आता था किसी को कूट देता था पकड़ के, तो वो वाले गुस्से में निकला। ये एग्रेशन आया भी ना, एग्रेशन आया कहीं ना कहीं, ये एग्रेशन आता है, आया ना आया, जिद्दी भी हुए कहीं ना कहीं, और कोई टफ बचे थे तो आसान तुमको कंट्रोल करना नहीं होगा फिर। मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी कभी, पेरेंट्स को खास तौर पर मैंने कभी तकलीफ नहीं दी। ओबीडियंट होते हैं बच्चों में रिटेलिएशन आ जाती नहीं, है नहीं, नहीं, बाहर थे झगड़े वगड़े, ये नहीं मैं कभी चुप रहने वाला नहीं था कि आप मुझे छेड़ के चले जाएं और आप मुझे गाली दे दें तो मैं बोलूं यार ये तो मारेगा, वो कितना बड़ा हो कितने बड़े बदमाश हो, मैं आपको पकड़ के फूट दूंगा, आपका सर्वर फाड़ दूंगा, ये मेरा था। तो फिर मेरे फादर, अच्छा मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि यार मर्द जो होता है ना उसे स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बॉडी बिल्डिंग किया करो, हेल्दी रहो। मिसालें देते थे, फलाने को देखो उसके तुम बाजू देखा क्या, ये होता है मर्दाना वजाहत। अब हमने और बड़ा बॉडी शॉडी बना ली अब्बा को इम्प्रेस करने के लिए, तो जाहिर है मेरे ख्याल में जितनी अच्छी बातें मुझे सिखाई, आपका शो का नाम मेरी माँ है लेकिन इस वक्त हम ज़्यादातर पापा की बात कर रहे हैं, बट मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें कोई कबाहत नहीं है। कभी आपकी अम्मी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे वालिद तुम्हारी वालदा रहे, क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन आपने अब सुनाई और आप जब वालिद के पास आए तो उनके पास चॉइस थी, वो ये कह सकते थे बेटा मेरी बेटा भी शादी हुई है, आप अपनी वालदा के पास रहें। पाकिस्तान में ज़्यादातर वालदा के पास ही छोड़ देते हैं मर्द हजरात, यही हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने ये नहीं कहा, तो वो एक तरह से माँ भी थे आपकी ना, अंडरस्टैंड किया कि बच्चा प्रॉब्लम है तो मेरा बच्चा इसको वापस दिया जाए। और मुझसे वो अजीब सा प्यार करते थे, मतलब अजीब एक ना एक्स्ट्रा होता है ना, औलाद होती है बात भी नहीं करते ज्यादा, हाँ बेटा खाना खा लिया ही हो गया, और वो इंटरेक्शन उनको चाहिए, बिठाना है मुझे सामने, बात करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो मैं मामा से मिस करता था, मामा से मैं बात करता था तो कॉन्फ्लिक्ट सामने आते थे, फड्डे सामने आते थे, मैं डरता था मामा से बात करते हुए, तो मैं शेयर नहीं कर सका मामा के साथ। मेरी जिंदगी में रिलेशनशिप्स में भी शायद यही एक वजह रही, आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ मदर इन समबडी, शायद ये हम इस पे भी आएंगे, ये बड़ा जरूरी है कि हम इस पे आए, आपकी पर्सनल लाइफ भी से बड़ी डिस्टर्ब, मगर ये कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पाकिस्तान या दुनिया भर में जो नॉर्म्स माँ बाप के होते हैं, जब भी वो डिस्टर्ब हों तो किसी भी माशरे में आप किसी भी मजहब से आप बिलोंग करते हो, इफेक्ट बहुत बड़ा आता है, एक लाइफ चेंजिंग इफेक्ट है। और एक दूसरी तरफ जब मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि मेरे वालिद की दो शादियां थी और मैं दूसरी वालदा से हूँ, तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। कई चीज़ें इस तरह से शॉकिंग होती हैं, तो ये जो दूसरी वालदा और पहली वालदा के साथ ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारा? दूसरी वालदा के साथ, यानी सारे 13-14 साल तो वो 15 साल तो गुजरे ही थे। फिर मेरी वालदा कुछ बातों पर मुझसे नाराज़ होना शुरू हुई ऐसी, जो फिर उन्होंने मुझसे मतलब बात ही करना बंद कर दी, मिस करता था मैं बात बात करना। दुबई शिफ्ट हो गई, फिर इटली से सारा कारोबार दुबई आ गया, करीब था उनके लिए, तो यहाँ से एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करती थी, वहाँ पे शॉप्स ले ली, सब कुछ हो गया। मुझे वर्किंग वुमन, वेरी हार्ड वर्किंग एंड सच ए गुड बिजनेस वुमन, उनको एक्सपैंड करना आता था बिजनेस, उनको पैसा बनाना आता था, उनको डीलिंग करनी आती थी, जबकि ना उनकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी ना कुछ था, बट शी वाज समबडी जो 10 मर्दों में खड़े होके ना अपना बिजनेस डील करना जानती थी। और कभी मैं अपनी मम्मी को होता ना कि कोई हैंकी फैंकी में नहीं देखा, गोइंग टू पार्टीज डूइंग दैट, और बड़ी वेल ड्रेस्ड वुमेन हमेशा अपने। आपके दूसरे वाले जिनसे शादी हुई वो क्या करते थे? वो बिजनेस में थे। वो मेरे ख्याल में किसी टेलीकॉम में थे उस जमाने में, उससे पहले मेरे ख्याल में रियाद में समवेयर, देन ही लेफ्ट एंड देन ही जॉइंड द बिजनेस
और वो बड़े उनका इनपुट था उस बिज़नेस में, बड़ी मेहनत करते थे वो भी, और मैं मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करता था इस बात की कि उन्होंने आके चेंज कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं फिर बीच में मैंने सुना दे वो भी सेपरेट हो गए, तो मैं मामा से कहता था मामा सब गलत कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकता है मैं भी गलत हूँ पापा भी गलत थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए आपकी एज बढ़ रही है, ईजी हो, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं आपके जो फैसले हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उतने कुड़क रहे हैं जितने पहले, आप सुना भी करें, बच्चा आपका बड़ा हो गया, मैं 25-27 साल का हूँ, मुझे कहते नहीं बिज़नेस करो मेरे साथ, ये बिज़नेस संभालो ये करो, मैंने कहा मैं सब करूँगा, आप जब तक ईजी नहीं होंगी ना मैं कुछ, मैं अगर आप 24 घंटे मुझे देख के टेंशन में है तो उसका मतलब आई एम द कॉज ऑफ योर ट्रबल, मैं तो कुछ कर ही नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ बैठा हुआ टीवी देख रहा हूँ, बट आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, क्या किया मैंने, अब आपको 20 साल पुराने की बात याद आ गई किसी की, उसका मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट द पास्ट, मे बी शी नेवर फॉरगेव योर फादर, यस शी डिड, शी नेवर डिड दैट, और जिस दिन उन पापा की डेथ हुई है उन्होंने एक फोन किया जिस पे मैं, आपको पता है मैं अपने फादर की डेथ पे रो नहीं सका था, मैं पता नहीं क्या हुआ था मुझे, जबकि मैं इतना प्यार करता था कि मैं चुप था, एंड शी कॉल्ड, और उनका रोती भी आवाज़ में आया फ़ोन, जबकि डिवोर्स हुए को 15-20 साल हो गए थे, कहती है मैं आज बेवा हो गई, एंड आई एक्सप्लोडेड विद यू नो क्राइंग, मैं इसलिए और रो रो के मैं हिचकियां बन गई मेरी, मैंने कहा आपने ये बात इतने अरसे तक अपने दिल में रखी, यू स्टिल थिंक ही इज़ योर हस्बैंड, सो यू लव्ड हिम राइट, ये बात आज क्यों उसके मौत के बाद क्यों कर रही हैं, या पहले कह देती हैं शायद हम सब दोबारा, मुश्किल होता है जिंदगी में आया, तो मैं बड़ा रोया, फिर मैं 3 दिन तक रोता ही रहा, क्योंकि हर बात में मुझे वो जुमला आता था, अब मैं बेवा हूँ, मैं सोचता था क्यों अब इन्होंने बोला, तो आई थी अब नहीं मैयत पे आई, बाहर थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद आई, सोइन के बाद आई, मिली मुझसे, मिली तसल्ली दी मुझे, और शिकायतें भी शुरू कर दी ऐसे, हाँ ये था मामा क्या हो गया मामा, अभी तो 3 दिन हो गए, अब तो मैं क्या करूं, शक्ल तुम्हारी बहुत मिलती थी भाई साहब से, करें क्या, रिमाइंडर था बहुत ज्यादा ये तो अच्छा। एनीवे सो वालदा के साथ आखिरी दिनों में मुलाकात रही मुस्तकिल नहीं रही, असल में वो जब इस दफा पाकिस्तान आई तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो मेरे जो कजन्स हैं मेरे खाला के बच्चे, शी स्टेड इन दुबई ऑल हर लाइफ, हां फिर दुबई में उन्होंने बिजनेस किया अकेले, नहीं मेरे ख्याल में वो आखिरी चंद सालों में उनकी सेपरेशन हुई, 2-3 साल ही अकेली रही, फिर मैं उनके बहन भाई ये वो, हाँ वो आते जाते रहते थे, बट वो किसी के साथ ना फिक्स नहीं हो पाती थी, उनका प्रॉब्लम ये था, शी हैड दिस मेंटालिटी, कुछ कर नहीं सकते थे, कि कुछ लोग होते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, तो भाई तो नहीं बताया उन्होंने इस बार, नहीं बताया, फिर अब फिर जब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है तो मुझे ये पता चला कि मुझे दुख ये हुआ कि असल में वो 2 दिन तक उनकी जो डेड बॉडी थी वो पड़ी रही थी, बिकॉज शी वॉज अलोन, आप समझ रहे ना, इस चीज़ ने मुझे आज तक जो है ना वो उस तकलीफ से नहीं निकलने दिया, क्योंकि वो जो फैमिली आज आ रही थी वो ही कह रही थी कि हम रोज़ाना जाते थे, रोज़ाना खिलाते थे पिलाते थे ये वो एक दिन था जिसमें सबका गैप आया, दो दिन थे मेरे ख्याल में, तो कहते हैं उसी 2 दिन के बाद हम जब गए तो हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी जो थी वो इट वॉज लाइंग देयर ऑन द फ्लोर एंड शी डाइड।